लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान झारखंड से 110 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी शराब और नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस बरामदगी में ईडी द्वारा सोमवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू सहायक के परिसर सहित कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई लगभग 35 करोड़ रुपए की नकदी भी शामिल है।